हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल एंड टुडे वी शैल स्टडी अबाउट इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल आज हम इसकी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है फर्स्ट वी स्टार्ट अवर मीनिंग वर्ड प्रनाउंस एंड हिंदी मीनिंग ब्रिक्स बी आर आई सी के एस ब्रिक्स ब्रिक्स मींस ईटे बैंबू बी एम बी डबल ओ बैंबू बैंबू मीन्स बांस ब्रिज बी आर आई डी जीई ब्रिज ब्रिज मीन्स पुल ट्रॉली टी आर ओ डबल एल ई वाई ट्रॉली ट्रॉली मीन्स ठेला गाड़ी वेरियस बी ए आर आई ओ यूएस वेरियस वेरियस मीन्स अनेक ऑब्जर्व ओ बी एस ई आर वी ई ऑब्जर्व ऑब्जर्व मीन्स ध्यान देना वैलम वी ए डबल एल ए एम वैलम वैलम मीन्स छोटी नाव कैरेज सी ए डबल आर आई ए जी ई कैरेज कैरेज मीन्स जोड़ी गाड़ी रिकोगनाइज आर ई सी ओ जी एन आई जेड ई रिकोगनाइज इज मीन्स पहचान बैर फुट बी ए आर ई एफ ओ टी बैरफुट बैर फुट मीन्स नंगे पेर सिंक एस आई एन के सिंक सिंक मीन्स डूबना करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट वॉट काइंड ऑफ फील्स इन बुलेट कार्ड्स ट में किस तरह के व्हील्स होते हैं अवर ऑप्शन इज फर्स्ट आयरन व्हील सेकेंड वुडन व्हील एंड थर्ड मिटल व्हील तो अवर आंसर इज व्हील व्हीलक कार्ट में लकड़ी के पहिए होते हैं वेर इज द रॉकी पथ पत? पथरीला पथ पत कहां पर था अवर ऑप्शन इज गुजरात राजस्थान एंड उत्तराखंड अवर so आंसर इज उत्तराखंड रॉकी पथ उत्तराखंड में था थर्ड इज वेर वी स्लीप एंड फॉल हम कहा पर गिरते हैं और फिसलते हैं स्नो फ्लावर एंड लीव अवर आंसर इज स्नो हम स्नो पर फिसलते हैं और गिरते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड फील इन द ब्लैंड फर्स्ट द ट्रॉली बॉक्स मेड ऑफ वुड ट्रॉली बॉक्स लकड़ी का बना होता है वी राइड अवर बाइसाइकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल जब हमारा स्कूल घर से दूर होता है तो हम हमारी बाइसिकल की सवारी करके स्कूल जाते हैं थर्ड वी यूज अ वैलम टू रीच स्कूल इन सम समार्ट ऑफ केरला केरला के कुछ पार्ट्स में पानी भरा होता है तो वहां पर बच्चे वैलम दैट मीन छोटी नाव का यूज करके स्कूल जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मैच केमल कार्ड केमल कार्ड का यूज कहां होता है राजस्थान में बुलट कार्ड बुलट कार्ड की जाती है गाँव में जुगाड़ जुगाड़ गुजरात जुगाड़ का यूज कहा होता है गुजरात में और ट्रॉली ट्रॉली का यूज कहाँ होता है लद्दाख में क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट यस और नो अब हमें यस और बुलेट कार्ड है, है? No. है. एरियाज में वेहीकल्स होते हैं अवर आंसर इज यस हाँ हमारे एरियाज में वेहीकल होते हैं कैन यू bicycle? क्या आपको साइकिल आती है, चलाना आती है तो अवर आंसर इज यस हाँ हमें साइकिल चलाना आती है Fourth, would you like to ride in camel cart? क्या आपने कभी ऊट गाड़ी की सवारी की है तो अवर आंसर इज यस हाँ हमने की है डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू यूर स्कूल क्या जब आप स्कूल जाते हो तो आपको रास्ते में कोई डिफिकल्टीज यानी कि परेशानी आती है तो अवर आंसर इज नो हमें कोई परेशानी नहीं आती है now let's we start the short answers question number first which is the best month in which you like to do to go to school why आपको स्कूल जाते समय कौन सा महीना अच्छा लगता है और क्यों our answer is in the month of september it is neither hot nor cold हमें september का महीना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा होता है question number second have you ever seen so much snow where in films or someone is क्या आपने कहीं पे बहुत ज्यादा स्नो देखी है कहाँ देखी है फिल्म में देखी है या कहीं और देखी है आंसर इज़ यस हमने स्नो देखी है आई हमें फिल्मों में देखी है क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड आउट वॉट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज लिस्ट सम ऑफ दे ब्रिज को बनाने में किन किन चीजों का यूज होता है हमें उनको उनकी लिस्ट बनानी है अवर आंसर इज सीमेंट आयरन सैंड ब्रिक स्मॉल स्टोन्स आर यूज इन सीमेंट ब्रिज सीमेंट का ब्रिज जब बनाते हैं तो हम उसमें सीमेंट का यूज करते हैं लोहे का यूज करते हैं रेत का यूज करते हैं और ईंटों का और छोटे छोटे पत्थरों का हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल क्या आप ये सोचते हो कि स्कूल में पनिशमेंट देना चाहिए आंसर इज यस देना चाहिए अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट्स अगर टीचर पनिशमेंट नहीं देगी तो गुड और बैड स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हाउ डू यू फील वेन यू आर पनिश्ड पनिशमेंट इन स्कूल जब आपको स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता है तो आपको कैसा लगता है तो अवर आंसर इज आई फील अशेम्ड आई प्रोमिस माई सेल्फ नेवर फेल टू प्रिपेयर लेसन हमें उस समय बहुत ही शेमफुल होती है यानी कि हमें शर्म महसूस होती है और हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं होने देंगे नाउ वी स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट अबाउट द जंगल्स अब हमें जंगल के बारे में कुछ बताना है आंसर इज द जंगल इज फुल ऑफ लार्ज ट्रीज इज ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा इट इज अ वेरी कोल्ड प्लेस जंगल जो होता है वो बड़े बड़े पेड़ों से भरा होता है और वहां पर हमेशा पशु पक्षियों के बोलने की आवाज आती रहती है और वो स्थान बहुत ही ठंडा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस है स्नो ऑल द टाइम वाई क्या आपने सोचा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हमेशा से ही स्नो रहती है और क्यों होती है दर आंसर इज यस दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड एंड लोकेटेड एट ग्रेट हाई हाइएस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हाँ हमने कुछ ऐसे प्लेसेस देखे हैं जो बहुत जो कि ठंडे होते हैं और वहाँ पर हमेशा ही स्नो होती है क्योंकि वो हमारी अर्थ के बहुत ही हाई सरफेस पर सिचुएटेड होते हैं ओके So, students, it's your worksheet of chapter 1st going to school, and you write down in your EVS copy. Okay, thank you.